नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा अब से लगभग 4 से 5 महीनों में होना संभावित है, उसकी प्री परीक्षा। उस लिहाज से अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के लिए यह आवश्यक है कि आप लोग डेली बेसिस पर हिंदी और जीएस का जो पोर्शन है उसको तैयार करते हुए चलें। अब इसमें हम लोग अपने स्तर से जो एक प्रयास कर रहे हैं उसमें यह है कि हम लोग डेली बेसिस पर जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उस सिलेबस में शामिल सभी 6 विषयों को, सभी 6 टॉपिक्स को हम लोग डेली बेसिस पर उसके प्रीवियसली आस्क जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो आपके विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसे संभावित प्रश्न जो कि पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हुए चलते हैं, जिनसे आप जिनको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपको न केवल इस परीक्षा की डिमांड समझ में आएगी बल्कि साथ ही साथ आप अपनी भी पढ़ाई की दिशा का स्वमूल्यांकन कर सकेंगे कि आप लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अपना आगे का जो हमारा सेशन है वो शुरू करते हैं। और ऐसी कई सारी क्लासेस आपको पहले भी कराई जा चुकी हैं जो आप लोगों को एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई जहां पर मिल जाएंगी। आज का जो हमारा सेशन है उसको शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है उसको देखते हुए चलते हैं कि गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है। अब देखिए, चूंकि प्रश्न में ही ये लिखा हुआ है कि सर्वथा शुद्ध, अब इसका मतलब समझिएगा, मतलब आयोग भी ये मान के चल रहा है कि इस ऑप्शंस में, इन 4 ऑप्शंस में कुछ ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जो वाकई में इसके शुद्ध विकल्प, इसका जो है विलोम शब्द कहलाया जा सकता है, परंतु जो सर्वथा शुद्ध है यानी सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है वो कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, यानी जब बहुत कोई ऊंचा बिल्डिंग होती है तो उसको हम लोग गगनचुंबी का नाम देते हैं। अब गगन को चूमने वाला उसका देखिए तो सर्वथा शुद्ध, अब भूतल, भूतल आपका जमीन से संबंधित हो गया, भूमि साथ मतलब जमीन के साथ में, धराशायी मतलब जमीन पर गिरा हुआ या पड़ा हुआ, और तल स्पर्शी मतलब जमीन को चूमने वाला या जमीन पर छुआ टच किया हुआ, ऐसा इससे संबंधित होता है। तो यहां पर गगनचुंबी है उसका सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द। तो अगर सर्वाधिक उपयुक्त देखेंगे तो तल स्पर्शी। आप लोग अगर इसको ऑप्शंस इनके चारों देखेंगे तो लगभग आपको लग सकता है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें अतिरिक्त ये मेहनत करके आप ये ना सोचें कि सर्वथा का मतलब क्या है तो आप इसमें से किसी में भी एक में जाकर टिक कर देंगे। पर यहां पर जो पूछा गया सर्वाधिक उपयुक्त, उसका मतलब अगर हम लोग देख के चलेंगे तो यहां पर जो हमारा इसका राइट आंसर होना चाहिए, सर्वथा शुद्ध जो लिखा हुआ है, सर्वथा की वजह से इसका राइट आंसर हमारा डी निकल के आ रहा है। तो चलिए, पहले का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। आप लोग देखिए सारा आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा है तो जी, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। अब देखिए ये प्रश्न थोड़े से टफ हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको एक ही शब्द का विलोम नहीं पूछा जा रहा है बल्कि आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप इन चारों का तो छोड़ दीजिए, साथ में 8ों का आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो गलत भी होगा उसका भी सही क्या होना चाहिए यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है मतलब कौन सा एक गलत है, तो यानी बाकी इसमें 3 सही होंगे। अब देख लेते हैं, सबसे पहला हो गया अनंत। अनंत और असीम ये दोनों देखिए ये विलोम ना होकर समानार्थी शब्द है, यानी कि आपको जो सबसे पहला विकल्प है वो ही आपका सही आंसर मिल गया। अनंत और असीम दोनों ही आकाश से रिलेटेड हैं, आकाश के पर्यायवाची भी कहे जा सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है, इनफाइनाइट जिसे कह सकते हैं। अनंत का आपको पता है, अनंत का अगर विलोम देखेंगे तो अनंत का विलोम क्या होता है, अंत होता है, सॉरी बहुत बड़ा हो गया गोला, अनंत का विलोम जो है वो होता है अंत। इसी प्रकार से अगर आप एक अनंत का विलोम शांत भी होता है, आपको ये परीक्षा में मिल जाएगा, ऐसा एक इसका जो ऑप्शन रहता है वो शांत भी होता है, इसी प्रकार से एक अंत भी होता है, ठीक है। असीम, असीम का अगर विलोम आप चाहेंगे तो असीम का विलोम जो है वो ससीम होता है, मतलब जिसकी सीमा ना हो वो असीम और जिसकी सीमा हो वो ससीम, तो असीम का विलोम हो जाएगा ससीम। इसी प्रकार देखेंगे कुशल और अकुशल, देखिए एक अशुद्ध युग्म पूछा था तो इसका राइट आंसर तो हम लोग देख लेते हैं कि अनंत और असीम, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, परंतु इसमें अन्य विकल्पों पर भी अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए ये वाला जो है अपना बी विकल्प जो है कुशल अकुशल यानी स्किल और अनस्किल्ड,
तो ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, जैसा कि सुनने में ही आ रहा है, इसको स्पष्ट है पढ़ने पर ही। धर्म अधर्म भी ये स्पष्ट है, ये भी आप लोग काफी सुने होंगे नारे आरे जो लगते हैं कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो उस प्रकार से ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम है। जड़ और चेतन, ये भी देखिए आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है जड़ और चेतन, तो जड़ और चेतन भी वास्तव में एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड का जो राइट ऑप्शन है यानी कौन सा जो विलोम अशुद्ध है वो हो जाएगा आपका ए वाला, अनंत और असीम। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए विलोम शब्द हम लोग आज दो विलोम शब्द किए, उसके बाद देखते हैं कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें देखिए जो सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला जो ऑप्शन है वह अनेकों मामलों में गवाह था। देखिए फिर से हम लोग को ए विकल्प जो है वही हम लोग को यहाँ पर राइट आंसर मिलता है। यहाँ पर पूछा है अशुद्ध कौन सा है, और अशुद्ध में देखेंगे तो अनेकों मामलों, पहले भी हमने ये प्रश्न कराया इस टाइप का, जिसमें देखिए अनेकों मामलों का, अनेकों मामलों, अनेकों जो है ये वर्ड वास्तव में अनेक जो है वो स्वयं में बहुवचन है, और यहां पर अनेकों कर दिया गया, यानी बहुवचन को पुनः बहुवचन बनाने की कोशिश की गई है, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से एक त्रुटि मानी जाती है। यहां पर यही होगा कि वह अनेक मामलों में गवाह था, तो यानी कि पहले ही ये हमें इसका आंसर, राइट आंसर जो है थर्ड का भी ए हो जाएगा। उसके बाद देखें तो अन्य से भी हमें क्या सीखने की जरूरत है। अभी ये आपका कोई पेपर नहीं है, बल्कि अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इस प्रक्रिया में देखें तो आपको गलत, मतलब जो अन्य इसके विकल्प है उनसे भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अन्य में देखिए कहां पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है वो क्या क्या है। तो जैसे देखिए बी ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये नूपुर, नूपुर जो है ये एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो पेपर में पूछा जाता है उसमें वो क्या करते हैं नूपुर, ये जैसे इसमें छोटे उ की मात्रा, क्योंकि ये बोलने में आता है सही नूपुर, तो वैसे ही उसको हम लोग जो है लिखते भी हैं, परंतु ये वास्तव में नूपुर ना होके नूपुर होता है, नूपुर मतलब पायल। ठीक है, तो ये नूपुर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार देखें आगे थर्ड वाला, तो आपकी मनह कामना पूरी हो, ये बिल्कुल सही लिखा गया है मनह कामना, जबकि इसको लोग गलत, अगर जैसे पेपर में भी ये वाला वर्ड पूछा गया है, आपको पता है कि वाक्य शुद्धि भी पूछा जाता है और वर्तनी शुद्धि भी पूछा जाता है, तो आपको इन तीनों ही वाक्यों में जो यहाँ पर अशुद्ध, सॉरी जो शुद्ध वाक्य लिखे हैं उनमें आपको ये जो वर्तनी है उस पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर बड़ा ऊ ही होगा, ये मनह कामना इसी प्रकार से लिखी जाती है, यानी जो ये यहाँ पर लिखा है मनह कामना वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसको गलत तब होता है जब इसमें मनोकामना या इस टाइप से कुछ भी जुड़ जाता है, तो वो गलत माना जाता है। इसी प्रकार देखेंगे मनीषी गढ़, तो अब देखिए मनीष, मनीषी जो है वो वर्ड उससे जब वो बहुवचन में आएगा तो वो यहां पर स में छोटे उ की, छोटे ई की मात्रा हो जाती है, जैसे योगी वर, योगी वर ना होके योगी वर होता है। ठीक है, प्राणी वृंद, प्राणी वृंद में भी बड़े ई की मात्रा ना होके प्राणी वृंद हो जाता है, छोटे ई की मात्रा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मनीषीगढ़ जो है ये बिल्कुल राइट वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको जो सही भी ऑप्शन दिख रहे हैं उनसे भी आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, जो वहां चौथा प्रश्न है उसमें देखते हैं जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब देखिए शुद्ध वर्तनी का ये वाला शब्द इतनी ज्यादा बार पूछा गया है, और तकरीबन आरओ आरओ की ही परीक्षा में और यूपीपीसीएस की भी परीक्षा में ही अब तक 8 से 10 बार पूछा जा चुका है ये वर्ड, इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वांग्मय जो है, वांग्मय ये आपका सही नहीं है, ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। जो राइट वांग्मय जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए ये जो अंगा होता है ये आपको पता है क ख ग घ अंगा, यानी जो क वर्ग का पांचवा अक्षर है वो अंगा जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहीं पे ये लोग जो है प्रश्न बना देते हैं, क्योंकि आपने अगर अंगा लिख दिया है तो मतलब वा में आपको कोई भी बिंदु लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिंदु के ही स्थान पर यह प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं अंगा के स्थान पर ही बिंदु प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए वांग्मय आपने लिख दिया तो अब बिंदु लगाने की जरूरत नहीं है। अन्य में देख लीजिए क्या है ऑप्शन में, यहां पर ये बिंदु लिखा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, और ये ग लिखा हुआ है, ये आपका गलत आंसर है। इसी प्रकार देखें ये वांग्मय जो ये वाला है इसमें ये ऊपर वांग्मय हो गया है, ये भी गलत है, ये आपका म्यूजिक से रिलेटेड। इसी प्रकार से देखिए वांग्मय जो ये है चंद्र बिंदु है यहाँ पे, ये भी गलत है। तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है।
अब देखिए इसमें ये कंप्यूटर पे इसको टाइप करने में इसी प्रकार से लिखा जा रहा था, वैसे आपके जो प्रश्न जो आएगा जो आयोग की परीक्षा होती है उसमें ये इस प्रकार से लिखा रहता है वांग्मय, तो आप लोग इसको ही सही मान के चलिएगा, आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से लिखा रहेगा, यानी व वा में बड़े आ की मात्रा, उसके साथ में अंगा अंगा लिखा रहेगा, मा ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, यानी जो भेदा ना जा सके। अब देखिए अभेद्य पहला आंसर है कि अभेद्य, प्रथम दृष्टया सभी को यही सही लगेगा और हम लोग को देखना है कि इसमें क्या सही होना चाहिए। तो देखिए अभेद्य जो है उसका मतलब होता है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर आपको अगेन ए ही ऑप्शन में आपको सही जो इसका आंसर है वो मिल जा रहा है। आगे देखेंगे तो अगला है ये संवेद्य, संवेद्य मतलब जो संवेदित किया जा सके या जिसकी संवेदना की जा सके, संवेदना से रिलेटेड है ये, संवेदना से ही वर्ड बना है संवेद्य, तो यानी कि ये यहां पर नहीं होगा। दूसरा देखें ये दुर्भेद्य मतलब जो कठिनाई से भेदा जा सके, तो जो कठिनाई से भेदा जा सके जहां पर भी आपको दो वर्ड लग जाता है तो मतलब कठिनाई से रिलेटेड हो गया, तो वो दुर्भेद्य का मतलब कठिनाई से भेदा जा सके, ये भी यहां पर नहीं पूछा जा रहा है। आप लोगों को ये इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है कि अभेद्य और दुर्भेद्य में क्या हो सकता है, तो देखिए ना जा सके पूछा जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा है कि जो भेदा या तोड़ा मतलब बहुत कठिनाई से भेदा जा सके, अगर ये पूछता तो दुर्भेद्य आता। नैवेद्य देखेंगे तो नैवेद्य एक अलग ही प्रकार का है, जैसे पूजा वगैरह में जो भोग की वस्तु प्रयोग की जाती है उसको बोलते हैं नैवेद्य, तो यहां पर यह भी गलत हो जाएगा, आपका राइट वर्ड हो जाएगा ए, ठीक है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, आप लोग ये जो जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं इसको आप लोग अपनी एक डेली टेस्ट सीरीज मानकर चल सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि हमारे परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आ सकते हैं, और उसी दिशा में आप लोग अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए छठवां जो प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजय, अजय बहुत ही डिफरेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो जिसको जीता ना जा सके या जो अजेय हो मतलब जो कभी ना हारा हो इस प्रकार से, तो ये वर्ड यहाँ पे इससे मैच नहीं करता है। इसी प्रकार से शत्रु जी, ये शत्रु जीत इस टाइप से भी कोई वर्ड नहीं है, शत्रु जी, शत्रु विहीन का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये भी सेंस आपका मिलता जुलता है पर एग्जैक्ट वो सेंस नहीं है जो यहां पर पूछा जा रहा है कि जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा हो, जन्मा हो इससे रिलेटेड जो है ये जात, देखिए कि मतलब अजात शत्रु मतलब जिसका कोई आ लग गया, और जात मतलब नहीं जन्मा है, और शत्रु का मतलब शत्रु, तो यानी जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, तो अजात शत्रु, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है इसका, वाक्यांश के लिए एक शब्द अक्सर ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अब तद्भव तत्सम में देखते हैं, तो पहला ये इसमें जो प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। अब देखिए तद्भव शब्द पूछा है मतलब इसमें तीन जो है वो तत्सम होंगे, अब देखिए कौन कौन से तत्सम है, तो इसमें अब शकुन जो है, ठीक है, तो शकुन आपका तत्सम शब्द है, शकुन देखेंगे तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, तो अक्सर हम लोग बोलते हैं शादी विवाह में जो दिया जाता है शगुन, तो शगुन इसका जो है वो तद्भव शब्द है और शकुन इसका तत्सम शब्द है, यानी कि ये आप लोग इसको याद भी करते हुए चलिएगा, जो भी ऑप्शन हमें दिख रहे हैं उनसे भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मूर्ख को देखिए, मूर्ख को हम लोग जो तद्भव में बोलते हैं वो बोलते हैं मूर्ख, तो यानी मूर्ख भी यहां पर ये तत्सम शब्द ही है और शकुन भी तत्सम शब्द है। नयन, नयन देखिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इस पे आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है ये बहुत खास ध्यान देने वाले नयन और नयन, क्योंकि इसमें आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, कुछ वर्ड में समझ में आ जाता है आसानी से, जैसे आप मूर्ख देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो तद्भव ही होगा, मूर्ख जो है वो तत्सम ही होगा, परंतु नयन और नैन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको अलग से मार्क कर लीजिएगा। नयन और नैन जो है ये आपका, नयन आपका तत्सम शब्द है और नैन आपका तद्भव है, परंतु ये तीनों ही शब्द तत्सम है, परंतु पूछा जा रहा है यहां पर कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द हमारा एक जो बचा पूंजी, तो पूंजी ही हमारा तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है पुंज, ठीक है, ये इया बना हुआ है अगेन, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मात्रा भी लगा सकते हैं ऊपर, बिंदु भी लगा सकते हैं,
वैसे ये इया जो है वो लग के आपके आयोग की जो आंसर की थी उसमें इस टाइप से लिख के आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, सातवें का राइट आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं कि एक तत्सम शब्द है, अगेन यही पूछा गया है कि इसमें पूछा गया कि इन सब में तत्सम शब्द कौन सा है। तो अब देखिए तत्सम शब्द पूछा गया है, तो आप लोग जब तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड जो है वो डाकिनी, डाकिनी आता है अक्सर, ये पेपर में पूछा भी गया है, इस वजह से आप इसको आप पढ़ते हुए पढ़ने के ही क्रम में ये आप लोगों को याद में रहेगा कि डाकिनी का तत्सम जो होता है वो होता है डाकिनी का जो तद्भव होता है वो होता है डायन। इसके अलावा देखें तो अटारी जो है वो वास्तव में एक तद्भव वर्ड है, अटारी का जो तत्सम होता है वो होता है अट्टालिका, ठीक है। अट्टालिका, अटारी आप लोग समझते ही होंगे, छोटी छत जिसे कह देते हैं हम लोग सामान्य भाषा में। विनती देखिए, विनती भी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो दरअसल विनती होता है, ठीक है। मेरी आपसे ये विनती है और इसी को तद्भव में हम लोग बनाने के लिए विनती बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें छोटी ई की मात्रा वाला ये तत्सम है, बड़ी ई की मात्रा वाला ये तद्भव है, पूछा जा रहा है तत्सम शब्द। आपको पता है कि डाकिनी जो है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो डायन होता है, अटारी आपका जो है तद्भव है, इसका तत्सम अट्टालिका होता है। अनहित ऐसा कोई वर्ड हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई वर्ड होता है। तो यहाँ पे ए बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आठवें का सी हो जाएगा, यानी डाकिनी डायन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष देखिए, इसमें बहुत सरल सा प्रश्न है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं। अब देखिए वाक्य में कितने विशेष्य हैं, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण वो होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है। जैसे भोले बालक लिखा है तो अब देखिए भोले मतलब बालक वो कैसा है, तो बालक की विशेषता बताई जा रही है जिस शब्द से बताई जा रही है, तो भोले हो जाएगा आपका विशेषण। और जबकि बालक जो है वो बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए बालक आपका हो जाएगा विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो भोले बालक में बालक आपका जो है वो एक विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। बालक आपका ये बालक जो है वो आपका एक विशेष्य हो गया। क्रूर डाकू, क्रूर डाकू मतलब डाकू कैसा है, तो क्रूर है, तो डाकू भी एक विशेष्य है, डाकू की विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार से कठोर हृदय, तो हृदय कैसा है, तो कठोर है, तो यानी कठोर हो गया विशेषण और हृदय हो गया विशेष्य। और कोमल भावना, कोमल क्या है, तो ये विशेषण है और भावना जो है वो आपकी विशेष्य है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यानी चार यहां पर विशेष्य हैं और चार ही यहां पर विशेषण भी हैं। तो यहां पर पूछा क्या है, तो विशेष्य पूछा है, विशेष्य पूछा है, तो उस हिसाब से चार जो हमारा राइट आंसर है यानी नाइन्थ का ए ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब देखिए यहां पे विशेषण शब्द पूछा है, मतलब जिसके द्वारा किसी चीज की विशेषता बताई जाती है। धर्म, धर्म वो वास्तव में एक विशेष्य है, मतलब धर्म की विशेषता बताई जाती है कि ये धर्म अच्छा है, ये बुरा है, ये पुराना है, ये नया है। तो यहां पे अच्छा, पुराना, नया, ये सब जो वर्ड है ये विशेषण है, और जबकि धर्म जो है वो एक विशेष्य है। इसी प्रकार से देखिए जाति, इसमें आपको बेसिकली इनको रटने की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है, आप इनको जो है बना के ही जब देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे धर्म है, तो धर्म से अगर हमें विशेषण बनाना हो, मान लीजिए कि धर्म यहां पर तो हमारा विशेष्य है, और इसी से अगर हमें विशेषण बनाना हो तो आप अगर इसके आगे एक प्रत्यय लगा देंगे धार्मिक, तो धार्मिक जो है वो आपका विशेषण बन जाएगा, मतलब वह व्यक्ति बहुत धार्मिक है, ठीक है। तो इस तरह से वो धार्मिक जो है वो आपका विशेषण बन गया। अब इसको कई लोग बहुत रटने की कोशिश करते हैं, इसमें रटने वाला कुछ नहीं, आप जब भी इसके आगे पीछे कोई भी शब्द ऐसा जोड़ेंगे, कोई आप विशेषण जोड़ लीजिए अच्छा धर्म बुरा धर्म, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये विशेष है। इसी प्रकार से देखिए ऊंची जाति, नीची जाति, अच्छी जाति, बुरी जाति, ऐसे करके करेंगे तो ये आपका समझ में आ जाएगा कि जाति भी यहाँ पे विशेष है। चमकीला जब इस पे आप करेंगे तो ये यहां पर आपको नहीं समझ में आएगा, चमकीला वास्तव में खुद एक विशेषण है। जैसे किसी भी चीज के लिए लगाया जाता है कि चमकीली पन्नी या चमकीला पेपर, ऐसे अगर कर देते हैं तो ये वास्तव में यहाँ पे एक विशेषण हो जाता है।
धन धन आपका जो है धन भी एक विशेष्य है, और इसी में अगर आप ई मात्रा लगा देंगे, धनी कर देंगे, तो ये विशेषण हो जाएगा। जाति में जातीय, इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो वो आपका जो है विशेषण बन जाएगा उससे। मगर वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादातर आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे आगे पीछे शब्द जोड़ के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहां पर देखिए चमकीला जो वर्ड है, तो चमकीला वर्ड जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वही एकमात्र विशेषण है, बाकी अन्य जो है वो विशेष्य है, चाहे धर्म हो या जाति हो या फिर धन हो, ये सभी जो है विशेष्य है, और चमकीला इज द राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं तो सूर्य का पर्यायवाची, अब पर्यायवाची पे देखते हैं हम लोग, आ रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची है। अब सूर्य का पर्यायवाची आप लोग पढ़े भी हैं, दिनकर, मार्तंड ऐसे करके तमाम सारे होते हैं उनमें। देखिए अब सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, तो भास्वर। भास्वर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, भास्वर जो है वो दिन का पर्यायवाची है, बल्कि सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भास्कर, ठीक है। तो भास्कर जो है वो जल्दीबाजी में लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये भास्कर को ही लगा देंगे, भास्वर को ही समझेंगे कि ये मिसप्रिंट कर दिया है उन लोगों ने, तो इसलिए वो तुरंत इसको लगा देंगे। परंतु उसके आगे भी ऑप्शंस देखने की जरूरत होती है, आपके पास पर्याप्त समय रहता है, आप सारे ऑप्शंस देख के उनमें से क्रॉस करते हुए और फिर जो मतलब गलत को इलिमिनेट करते हुए फिर सही को टिक करें, भले ही आपको प्रथम दृष्टया ही सही आंसर समझ में आ जाए तो भी। अब देखिए यहाँ पर मार्तंड जो है वो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सूर्य का पर्यायवाची, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई विशेष समस्या की बात नहीं है। मार्तंड इज द राइट आंसर, भास्वर नहीं होता है बल्कि भास्कर होता है। तेज, तेज जो है वो आपका चमक से रिलेटेड है, या फिर जैसे उसके माथे पर बहुत तेज है तो वो वाला भी एक हो जाता है, चमक से भी रिलेटेड हो जाता है, स्पीड से भी रिलेटेड हो जाता है, तो वो हो जाता है। फिलहाल सूर्य से इसका जो है कोई संबंध नहीं है। प्रकाश, प्रकाश का भी सूर्य का पर्यायवाची तो नहीं है कम से कम। तो देखिए यहाँ पे मार्तंड राइट आंसर हो जाएगा, ग्यारहवें का बी। और जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जैसे ही आपको किसी शब्द में किसी भी आप कोई भी प्रश्न करें उसमें आपको इस प्रकार का नहीं वर्ड दिख जा रहा है, आप तुरंत उसको मार्क कर लीजिएगा। आप जब भी पेपर सॉल्व करें तो यहाँ पर नहीं अगर शब्द दिख रहा है उसको तुरंत गोला ऐसे बना लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। हो सकता है कि आप जब ये चारों ऑप्शन पर विचार कर रहे हो तो शायद आप ये भूल जाएं कि इसमें नहीं पूछा गया था, इसलिए हाईलाइट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर आपकी अप्रोच रहती है प्रश्न को सॉल्व करने की। फिलहाल देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो वीड़ा पाड़ी, यानी जिनके हाथों में वीड़ा है, आप सरस्वती जी की प्रतिमा या फोटो देखते होंगे तो उसमें उनके हाथों में वीड़ा दिखती है, वीड़ा जो है, तो इसलिए ये इनका राइट आंसर तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि सरस्वती का पर्यायवाची वीड़ा पाड़ी होता है। महाश्वेता, महाश्वेता भी सरस्वती को बोला जाता है। पद्मा, पद्मा जो है ये आपका मतलब यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, पद्मा आई थिंक लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है पद्मा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भारती देखेंगे, भारती भी आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। एक पर्यायवाची इला भी होता है, इला होता है, वागीश होता है, वागीश, वागेश्वरी होता है, और इस प्रकार से कई सारे आप देखेंगे कि पर्यायवाची होते हैं सरस्वती के, परंतु पद्मा नहीं होता है, पद्मा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो आप देखेंगे जी, ये सारे हम लोग कवर कर चुके हैं, और इसी तरीके से हम लोग डेली बेसिस पर हिंदी के ऐसे 6-6 प्रश्नों, सॉरी 12-12 प्रश्नों के हिसाब से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को एक प्रश्नों का अंदाजा लगता रहे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग जो अपनी तैयारी अपने घर पर कर रहे हैं उसमें आप लोग ये अवलोकन कर सकें कि यहाँ पर हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं तो मतलब आप लोग परीक्षा में भी कर सकेंगे, क्योंकि ये सारे ही लगभग परीक्षा में पहले पूछे हुए प्रश्न हैं, सर्वाधिक संभावित प्रश्न है, और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए भी आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप लोग
प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करें और सबसे पहले फोकस करें। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।